हेलो एवरीवन, मैं हूं अजीत शर्मा, आपका टीचर, आपका मेंटर। और हम लोगों ने काफी टॉपिक्स को पढ़ा है। एक टॉपिक जिसके बारे में कई बच्चे डिमांड कर रहे हैं, आज उस टॉपिक को मैं शुरू करूं। पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मैं हूं अजीत शर्मा, मोर देन 14 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। बहुत दिनों से मैं पढ़ा रहा हूं, बहुत सारे वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं जुड़ा हुआ हूं, कई कोचिंग्स में मैं पढ़ा रहा हूं, ब्रांडेड कोचिंग इंस्टीट्यूट आईआईटी जेई के फील्ड में। ये हमारा चैनल है अजीत शर्मा फॉर आईआईटी जेई मेंस एंड एडवांस, बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। आप इससे जुड़ सकते हैं, अपने दोस्तों को जोड़िए और बेनिफिट उठाइए। आपकी आईआईटी जेई की तैयारी के लिए तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है। जहां तक मैथमेटिक्स का सवाल है, मैथ्स की बात, आप कुछ भी मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। कभी कभी देरी जरूर होगा पर जवाब जरूर आपको मिलेगा। आपके डाउट्स हो प्लीज राइट टू मी। आज जिस टॉपिक को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो टॉपिक है बाइनोमियल। काफी बच्चों ने इस टॉपिक के लिए डिमांड किया कि सर बाइनोमियल पढ़ा दो पहले आप। बाइनोमियल स्टार्ट करते हैं, पर बाइनोमियल करने से पहले मेरी आपसे एक इल्तजा है, एक गुजारिश है, आप परमुटेशन कॉम्बिनेशंस के लेक्चर्स को भी थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि हम लोग बीच बीच में बाइनोमियल में परमुटेशन कॉम्बिनेशंस का भी इस्तेमाल करेंगे। इनफैक्ट शुरुआत में ही जो इंट्रोड्यूस करते वक्त परमुटेशन कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करें, नहीं तो कुछ चीजें थोड़ी बहुत अगर आप मान लोगे तो आपके लिए सहूलियत हो जाओगी। सबसे पहले बात करते हैं बाइनोमियल स्टार्ट कैसे हुआ, कैसे बाइनोमियल इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, आप लेसन अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूले और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए। एक जैसे अगर हमें लिखना होता है एक्स प्लस वाई टू द पावर जीरो, तो x प्लस वाई टू द पावर जीरो का एक्सपेंशन क्या होगा, ऑब्वियसली पावर जीरो है तो वन आ जाएगा। अगर x प्लस वाई टू द पावर वन है तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा, x प्लस वाई। अगर x प्लस वाई होल स्क्वायर है तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अगर x प्लस वाई होल क्यू है तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा, एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू। ठीक है, अगर x प्लस वाई टू द पावर फोर है तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा, x टू द पावर फोर फोर एक्स क्यू वाई स्क्वायर सॉरी फोर एक्स क्यू वाई प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स वाई क्यू प्लस वाई टू द पावर फोर। आपको लग रहा हो कि मुझे याद है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देर इज अ टेक्निक टू राइट इट, वो टेक्निक जिसको कि पास्कल साहब ने शुरुआत में डेवलप किया था, मैं उसी ट्रायंगल उसी चीज का इस्तेमाल कर रहा हूं। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं जिन बच्चों ने पढ़ा है, आई एम इंटरेस्टेड इन डूइंग पास्कल्स ट्रायंगल। कैसे, पहले कुछ देखिए, ऐसा कोई जादू नहीं है, कोई मैजिक नहीं है, ना ही मुझे याद है ये पूरी की पूरी, ना ही मैं सॉल्व कर रहा हूं। फाइव एक्स टू द पावर फोर वाई प्लस टेन एक्स क्यू वाई स्क्वायर प्लस टेन एक्स स्क्वायर वाई क्यू प्लस फाइव एक्स वाई टू द पावर फोर वाई टू द पावर फाइव। नेक्स्ट टर्म x प्लस वाई टू द पावर सिक्स अगर होगा तो x टू द पावर सिक्स सिक्स एक्स टू द पावर फाइव वाई प्लस फिफ्टीन एक्स फोर वाई स्क्वायर प्लस ट्वेंटी एक्स क्यू वाई क्यू प्लस फिफ्टीन एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर फोर प्लस सिक्स एक्स वाई टू द पावर फाइव एंड वाई टू द पावर सिक्स। देखिए क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो हर एक केस में जो पावर्स हैं एक्सपोनेंट का, जो भी वेरिएबल्स के पावर्स हैं उनका सम, जो यहां पावर है, जैसे इस केस में देखिए ना, हर बार पावर्स का सम थ्री आ रहा है, यहां देखिए हर बार पावर्स का सम फोर आ रहा है। और एक खास तरीके से जैसे हमने एक्स का मैक्सिमम पावर लिया तो धीरे धीरे एक्स के पावर को रिड्यूस कर रहा है। इन एलिमेंट का जो कोफिशियंट है वो वन है हर बार, और बीच वाले के लिए हमने क्या किया है, एड किया है, ये वन वन है। अब देखिए बीच वाले के लिए क्या किया, इन दोनों का कोफिशियंट वन वन को एड करके टू मिला। अब देखिए ये वन हो गया, ये वन हो गया, अब इन दोनों को जब हमने एड किया तो वन और टू मिलकर यहां थ्री, टू और वन मिलकर यहां थ्री। ठीक है, अब देखिए वन हो गया, वन और थ्री मिलकर यहां फोर, थ्री थ्री मिलकर यहां क्या हो गया सिक्स, थ्री और वन मिलकर के यहां क्या हो गया फोर एंड देन वन। दिस विल बी वन, फोर और वन फाइव, फोर और सिक्स टेन, सिक्स एंड फोर टेन अगेन है ये? फिर देखो वन फाइव वन सिक्स, टेन फाइव फिफ्टीन, टेन टेन ट्वेंटी, टेन फाइव फिफ्टीन, फाइव वन सिक्स एंड दिस वन इज।
तो अगर मुझसे कोई कहे कि सर x प्लस वाई टू द पावर सेवन का क्या होगा, तो आई विल स्टार्ट विथ x टू द पावर सेवन. अब वन और सिक्स मिलकर के क्या होगा, सेवन x टू द पावर सिक्स y. सिक्स और फिफ्टीन मिलकर क्या हो जाएगा, ट्वेंटी वन x टू द पावर फाइव वाई स्क्वायर. फिफ्टीन और ट्वेंटी मिलकर क्या हो जाएगा, थर्टी फाइव x टू द पावर फोर वाई क्यूब. ट्वेंटी फिफ्टीन मिलकर अगेन थर्टी फाइव एक्स क्यूब वाई टू द पावर फोर. 15 6 मिलके अगेन 21 x स्क्वायर y टू द पावर 5. नाउ द नेक्स्ट वन विल बी ऑब्वियसली 7 x y टू द पावर 6 एंड द लास्ट वन इज y टू द पावर 7. ये जो तरीका है क्या हो रहा है, यही पैटर्न है ना. अगर मैं थोड़ा सा मिटा दूं तो यही पैटर्न फॉलो हो रहा है ना जो मैं कर रहा हूं कॉफिशियंट्स का. थ्री और वन फोर, थ्री थ्री सिक्स, थ्री वन फोर वन, फिर क्या हुआ वन इधर किया, फोर वन फाइव, सिक्स फोर टेन, सिक्स फोर टेन, फोर वन फाइव. ये जो दिख रहा है इसे ही कहते हैं पास्कल्स ट्रायंगल. तो ऑब्वियसली पास्कल्स ट्रायंगल एक बहुत आसान तरीका है किसी भी एक्सपेंशन को, बाइनोमियल एक्सपेंशन. बाइनोमियल एक्सपेंशन क्यों कर रहा है, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल्स का इस्तेमाल हो रहा है. किसी भी एक्सपेंशन को लिखने का ये वन ऑफ द इजीएस्ट अप्रोच है. लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको बता दूं इससे क्या क्या फायदा हो रहा है. दो चीजें, एक तो नंबर ऑफ टर्म्स पता चल रहा है, यानी अगर मेरे पास जितना पावर होगा उससे एक ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स होगा. दूसरा, हर एक टर्म का कोफिशियंट पता चल रहा है. बट स्टिल इट इज नॉट प्रैक्टिकल. क्यों, ये लार्जर पावर के लिए प्रैक्टिकल नहीं. जरा सोचो, अभी सोचो ना, अगर एक्स प्लस वाई टू द पावर टेन लिखना होता तो उसके लिए पहले मुझे 9 तक का एक्सपेंशन लिखना होता, तब तो 10th वाला लिख पाते. अगर मान लो x प्लस वाई टू द पावर 100 लिखना होता तब तो मेरी हालत खराब हो जाती. लिख लेते पहले x प्लस वाई टू द पावर 99, तो टोटल 99 पहले लिखते तब तो 100 लिख पाते. तो इजी है बट प्रैक्टिकल नहीं है लार्जर पावर के लिए. इसको लार्जर पावर के लिए आपको इग्नोर करना ही होगा, कोई उपाय नहीं आपके पास. तो पास्कल्स ट्रायंगल को यहीं पर ड्रॉप करते हैं. पास्कल्स ट्रायंगल से पता क्या चला हमको, नंबर ऑफ टर्म्स पता चला, यानी अगर x प्लस वाई टू द पावर n है तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स टोटल n प्लस वन होंगे. क्लियर. और एक्सपेंशन लिखना सीखे हम लोग, हर एक टर्म्स में कोफिशियंट्स पे जो पावर होगा उसका जो सम होगा पावर्स का, वो जो टोटल पावर है उसके बराबर. अब बात करता हूं मैं, पहले एक बात बताओ एनसीआर का मतलब क्या होता है. आगे अब जो प्रैक्टिकल अप्रोच वो देखते हैं, जिससे बाइनोमियल मल्टी ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन की मदद से जो तरीका हम लोग डिसाइड करते हैं वो तरीका हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि वो तरीका क्या है. परमुटेशन कॉम्बिनेशन की मदद से हम लोग चीजों को समझने की कोशिश करेंगे वो अप्रोच क्या है. एनसीआर का मतलब होता है हमारे पास टोटल एन आर्टिकल्स है, उसमें से एग्जैक्टली आर आर्टिकल्स हमें चुनना है. ठीक है, अब देखो अगर मैं आपसे कहूं x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, इसका प्रोडक्ट लिखो, तो आप क्या सोचोगे. बचपन में अगर सोचते हो तो आप सोचते हो कि अच्छा इसमें एक टर्म आएगा, यहां से हम x चुन लें, यहां से हम x चुन लें, यहां से हम y ले लें, यानी एक टर्म आएगा एक्स स्क्वायर वाई. पर फिर मेरे दिमाग में आया कि एक्स स्क्वायर वाई आपने क्या किया, यहां से एक्स लिया, यहां से एक्स लिया, यहां से वाई लिया, एक्स स्क्वायर वाई बन गया. ठीक है, आपका दोस्त आया कहेगा नहीं सर हम यहां यहां से x लेंगे, यहां से y लेंगे, तब भी x स्क्वायर वाई आएगा, है ना. फिर से तीसरा दोस्त आया, या इनफैक्ट आप ही के दिमाग में कह रहे सर ऐसे भी तो कर सकते हैं, दिस वन इज ऑल्सो x स्क्वायर वाई. तरीका अलग अलग है बट रिजल्ट इज सेम. x स्क्वायर वाई इस प्रोडक्ट में अगर एकदम बिल्कुल बेसिक तरीके से करो तो तीन बार x स्क्वायर वाई आएगा. यानी अगर मैं इस प्रोडक्ट की बात करूं तो x स्क्वायर वाई तीन दफा आएगा, तो रेदर वी आर राइटिंग x स्क्वायर वाई थ्री टाइम्स अलग अलग, वी कैन राइट दिस एज थ्री एक्स स्क्वायर वाई. बात समझ में आ रही है आपको, यानी एक्स स्क्वायर वाई का कॉफिशियंट तीन इसलिए आया है क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई अचीव करने का तीन तरीका है. तीन तरीका क्यों है, क्योंकि हमारे पास तीन फैक्टर्स हैं, हर एक फैक्टर ये एक एक्स दे रहा है और एक वाई दे रहा है. हर एक फैक्टर, क्लियर है मेरी बात, हर एक फैक्टर या तो एक्स दे रहा है या तो वाई दे रहा है, पर कोई एक दे रहा है, और हमें दो फैक्टर चुनने हैं जो एक्स दे और एक फैक्टर चुनने हैं जो वाई दे. तो तीन फैक्टर्स में से, तीन फैक्टर्स में से हमको दो फैक्टर चुनने हैं, टू फैक्टर्स फॉर एक्स एंड वन फैक्टर फॉर वाई. अब आप बताओ
चाहे तो x के लिए सेलेक्ट कर लो ऑटोमेटिक जो बचेगा y के लिए, चाहे तो y के लिए सेलेक्ट कर लो ऑटोमेटिक जो बचेगा x के लिए। तो ऑब्वियसली अगर आप x के लिए चुनते हैं तो 3c2 तरीका से x के लिए फैक्टर चुनेंगे या 3c1 तरीका से y के लिए चुनेंगे। 3c2 3c1 दोनों सेम होता है, आपको बात समझ में आ गई होगी। तो कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई क्या आया? 3c2। ठीक है, हो क्या सकता है तीनों फैक्टर से अगर आपने एक्स चुना, यानी 3c3 या 3c0, एक फैक्टर से आपने एक्स स्क्वायर चुना यानी 3c2, किसी एक से आपने एक्स चुना और किसी से भी आपने एक्स को नहीं चुना। मैं एक्स को तवज्जो दे रहा हूं, आप वाई को तवज्जो दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, गलती थोड़ी ना होने जा रही है। तो यहां एक्स प्लस वाई ये है क्या? एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। तो लिटरेचर क्या लिखेंगे? द प्रोडक्ट द एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इज ऑब्टेन्ड बाय ऑल ऑफ द डिफरेंट वे। सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, द एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस वाई होल क्यूब इज ऑब्टेन्ड बाय ऑल ऑफ द डिफरेंट वेज। देयर आर टू सेलेक्ट वन एक्स और वन वाई फ्रॉम ईच ऑफ द थ्री गिवन फैक्टर्स ईच कॉन्टेनिंग वन एक्स एंड वन वाई। दीज आर द टोटल प्रोबेबल वेज। अगर मान लो x प्लस वाई टू द पावर n है, इसका मतलब है हमारे पास कुल जमा n फैक्टर्स है। ये कुल जमा n फैक्टर्स हैं, तो इसमें जो टर्म्स आएगा, हेयर द टर्म्स ऑफ दिस प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय all of the different ways there are to select either x or y from each of the n factors where each factor contains exactly 1x and 1y। तो अगर आपसे किसी ने कहा कि x टू द पावर n माइनस आर y टू द पावर r का कॉफिशियंट चाहिए, तो कॉफिशियंट ऑफ x टू द पावर n माइनस आर इंटू वाई टू द पावर r विल बी नंबर ऑफ डिफरेंट वेज टू सेलेक्ट r फैक्टर फोर वाई एंड एन माइनस आर फैक्टर फोर एक्स आउट ऑफ कितने एन गिवेन फैक्टर्स। बाकी लाइन सेम है, ईच कॉन्टेनिंग वन एक्स एंड वन वाई। तो ऑब्वियसली इसका कॉफिशियंट क्या आने जा रहा है? या तो आप एक्स के लिए सिलेक्शन कर लो या तो वाई के लिए कर लो। हमने वाई के लिए किया तो एनसीआर आ गया, अगर आप एक्स के लिए करते तो एनसीएन माइनस आर आता। किसी के लिए भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो अगर इस एक्सपेंसिव इस लिटरेचर को अगर मैं मिटा दूं या ऊपर ही मैं भाई बात करूं, तो अगर मैं बात करूं x प्लस वाई टू द पावर n की, तो क्या होगा? अगर मान लो सारे फैक्टर से आपने n चुना, सारे फैक्टर से आपने एक को छोड़ के बाकी सबसे x चुना, दो को छोड़ के बाकी सबसे आपने x चुना, ठीक है। जनरल टर्म में आप क्या करोगे? आप कहोगे सर मैंने R से x y चुना बाकी सबसे, या आप कहोगे सारे फैक्टर से मैंने n चुना, यही करोगे ना। अब जरा देखो, सारे से x चुना है यानी कि किसी से भी आपने y को नहीं चुना। किसी एक के लिए आप सिलेक्शन कर लो, y के लिए करोगे क्योंकि दो ही गए ना, जैसे ही y के लिए करोगे ऑटोमेटिक x के लिए हो जाएगा। अगर आपने आपको एक्सपेंशन समझ में आ गया होगा क्या हो रहा है, ये दिस वन इज एनसीएल, ठीक है। इसको मैं इन शॉर्ट क्या लिखूं? सिग्मा एनसीआर जनरल टर्म, दिस वन इज द जनरल टर्म, एनसीआर एक्स टू द पावर एन माइनस आर वाई टू द पावर आर। आर कहां से चल रहा है? जीरो से लेकर के n। सिग्मा का मतलब क्या हुआ? प्लस साइन। आप आर क्या वैल्यू रखते जाओ ना, जीरो वन टू थ्री फोर कहां तक, n तक। नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने हो गए? n प्लस वन। जनरल टर्म इसका क्या हो गया? दिस वन इज द जनरल टर्म। अगर इसके पोजिशनिंग की बात करूं मैं, तो अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं, इसकी पोजिशनिंग आर एच समझते हैं। नहीं, जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो इसकी पोजिशनिंग क्या होगी? आर प्लस वन एफ टर्म होगा, जिसको हम लोग टी आर प्लस वन लिखेंगे। इसके बारे में हम लोग आएंगे, आज के लेसन में नहीं करेंगे बाइनोमियल। आज के लेसन में हम लोग इसी चीज को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं
और इस कहानी को मल्टीनोमियल पे जाकर टिकाते हैं, आज के सेगमेंट के कहानी को मल्टीनोमियल पे। जैसे मान लो x प्लस वाई प्लस जेड टू द पावर 5 है, यानी हमारे पास टोटल 5 फैक्टर्स हैं। अब ये हर एक फैक्टर क्या दे रहा है, एक एक्स एक वाई और एक जेड। हाँ, आपको मल्टीप्लाई करते वक्त किसी एक ही टर्म को, एक ही वेरिएबल को चुनना है, यही है ना। जैसे अगर आप क्लास 7th के बच्चे से बात करते और आपसे कहा जाता कि अच्छा ये बताओ इसका प्रोडक्ट, तो कहेगा सर सबसे एक्स चुन लो, तो उसके हिसाब से एक्स टू द पावर 5 आएगा। वो कहेगा नहीं सर, आप एक टर्म आएगा जिसमें 4 से एक्स चुनू, या आप कहोगे सर सबसे वाई आएगा, सबसे जेड आएगा। वो कहेगा नहीं सर, 4 से आपने एक्स चुन लिया और किसी एक से वाई चुन लिया, या 4 से एक्स चुना किसी एक से जेड चुना। इस तरह के टर्म आपको वाई के साथ भी तो मिल सकते थे। समझ रहे हैं? तो इस तरह के बहुत सारे टर्म्स आएंगे। फिलहाल ये जो टर्म्स कितने तरह के आएंगे वो तो एक आगे की बात है, उसके बारे में थोड़ी देर के बाद मैं बात कर रहा हूं। अभी हम सोचते हैं इसमें कोई एक टर्म इमेजिन करते हैं। तो एक टर्म हमने इमेजिन किया है एक्स क्यू वाई जेड। पहले तो ये सोचो ये टर्म होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए एक्स क्यू का मतलब हमने 3 फैक्टर लिया एक्स के लिए, वाई का मतलब है 1 फैक्टर वाई के लिए, एक जेड का मतलब 1 फैक्टर जेड के लिए, टोटल 5 फैक्टर हो गए। तो ये टर्म मिलेगा, तो इसका कोफिशियंट क्या होगा? कोफिशियंट ऑफ, अगर मैं कहूं एक्स क्यू वाई जेड, तो ये क्या होगा? नंबर ऑफ डिफरेंट वेज टू सेलेक्ट 3 फैक्टर्स फॉर एक्स, 1 फॉर वाई एंड 1 फॉर जेड। तो 5 में से 3 फैक्टर 5c3, बचा कितना? 2। 2 में से 1 फैक्टर आपने चुन लिया वाई के लिए और बचा 1 में से 1 फैक्टर चुना आपने जेड के लिए। अगर आप इसको तोड़ दो ना तो इसकी वैल्यू इतनी आएगी, बड़ा इजीली निकलता है ये, एज ए स्टैंडर्ड फॉर्मूला आप डिराइव कर सकते हो। तो एक्स क्यू वाई जेड का कॉफिशियंट क्या आ गया, जरा इसको सॉल्व करके देख लो, दिस कम्स आउट टू 20। ठीक है, तो अगर आप इसको जनरलाइज करते तो इसके इसका जो भी टर्म आएगा उस पर पावर्स क्या होगा, या तो एक्स पे पावर अल्फा होगा, वाई पे पावर बीटा होगा, जेड पे पावर गामा होगा। फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल अल्फा, फैक्टोरियल बीटा, फैक्टोरियल गामा। अरे भैया ऐसे ही करेंगे, 5c अल्फा इंटू घटा घटा के सिग्मा, जहां पर अल्फा बीटा गामा क्या है, नॉन निगेटिव इंटीजर्स है जिसका सम 5 आएगा। अब ये जो कैलकुलेशन है ये हम लोगों ने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में मल्टीनोमियल के वक्त देखा था कि कितने तरीके से आप अल्फा बीटा गामा चुनेंगे जो कि नॉन निगेटिव इंटीजर्स होगा जिसका कि सम 5 आएगा। सही आप बोल रहे हैं, आंसर आता था 7c2। डायरेक्ट फॉर्मूला भी हम लोगों ने देखा था कि जितना है 5 में नंबर ऑफ टर्म से 2 ज्यादा जोड़ दो 7, और सी से 2 कर दो, ठीक है, या c5 कर दो, बात वही है। तो 7c2 की वैल्यू आ जाएगी 21। टोटल इसमें 21 टर्म्स होंगे अगर आप देखोगे तो, बहुत आसानी से। अभी 4-5 तो मैंने थोड़ी देर पहले लिखा ही था, इसको और जनरलाइज करें। चलिए एक और क्वेश्चन में देखते हैं इसको, यानी हम लोग कहीं ना कहीं मल्टीनोमियल एक्सपेंशन, अभी जो किया था वो क्या था, ट्राइनोमियल था, एक और ट्राइनोमियल का सवाल देखते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड टू द पावर 6, आपसे कहा गया है कॉफिशियंट ऑफ एक्स क्यू वाई स्क्वायर जेड निकालने के लिए। क्या होगा कॉफिशियंट? आउट ऑफ 6 फैक्टर्स वी विल सेलेक्ट 3 फैक्टर्स फॉर एक्स, फ्रॉम रेस्ट 2 फैक्टर्स फॉर वाई एंड फ्रॉम रेस्ट 1 फैक्टर फॉर जेड। इनफैक्ट आप डायरेक्ट लिख सकते थे 6 फैक्टर को 3 ग्रुप में बांटना है, पहले ग्रुप को 3 आर्टिकल, दूसरे को 2 आर्टिकल, तीसरे को 1 आर्टिकल, एंड दिस इज नथिंग बट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसकी वैल्यू आ जाएगी 60। बात समझ गई? इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 60 आ जाएगी। ऐसे ही एक क्वेश्चन था कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, एक एक्सपेंशन था, मैं अभी क्वेश्चन फ्रेम कर दे रहा हूं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए टू द पावर 6, कोफिशिएंट ऑफ ए क्यू बी टू द पावर 4 सी टू द पावर 5 इन, यही निकालना था। ठीक है, इसका जो जनरल टर्म होगा, अभी हमें ये दिक्कत क्या आ रही है कि यहां पर डायरेक्ट एक्स वाई जेड था, यहां ए बी निकलेगा, यहां से बी सी निकलेगा, यहां से इसका जो भी जनरल टर्म होगा, मान ले ए बी पे पावर अल्फा रहा हो, जो प्रॉपर मेथड है, बी सी पे पावर बीटा लिया होगा मैंने और सी ए पे पावर मैंने गामा लिया होगा, इसका कॉफिशियंट मान लो कि
ए बी को अल्फा टाइम्स लेने से, बी सी को बीटा टाइम्स लेने से, सी ए को गामा टाइम्स लेने से ये बन रहा है, तो कॉफिशियंट इसका यही आएगा। मान लिया कि लेट ए बी है, लेट आउट ऑफ सिक्स फैक्टर्स अल्फा फैक्टर्स हैज बीन सिलेक्टेड फॉर ए बी, बीटा फैक्टर्स फॉर बी सी एंड गामा फैक्टर फॉर सी ए टू ऑप्टेन दिस वन, यानी हमें ये ऑप्टेन करना। के का मतलब क्या है? के का मतलब यही है, जहां अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ऑब्वियसली क्या होगा? सिक्स होगा। अब जरा देखिए ए पे पावर क्या आ रहा है? अल्फा प्लस गामा, और अल्फा प्लस गामा थ्री के बराबर होना चाहिए, इसकी मदद से आप तुरंत कहेंगे सर बीटा इज थ्री बाय अल्फा प्लस। फिर अब बी पे पावर क्या आ रहा है? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ रही? फोर आ रही, इसकी मदद से आप डायरेक्ट कर सकते सर गामा इज टू, नहीं? और अगर सी पे पावर की बात करो, सी पे पावर आ रहा है बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू फाइव, यहां से आप तुरंत कर सकते अल्फा इज, इनफैक्ट पहले वाले के बाद तो बाकी सब ऐसे ही निकाल सकते थे आप, जब आपने बीटा निकाल लिया यहां रख दीजिए अल्फा निकल जाएगा, और जब अल्फा निकाले यहां रख दीजिए आपको गामा निकल जाएगा, ठीक है? तो आपका कॉफिशियंट क्या आ गया? फैक्टोरियल सिक्स अपॉन फैक्टोरियल वन, फैक्टोरियल थ्री, फैक्टोरियल टू, ऑब्वियसली दिस आंसर इज ऑल्सो 60। इस क्वेश्चन को मैंने कई बच्चों को ऐसे बनाते, क्लियर है ये? ठीक है। इस क्वेश्चन को मैंने कई बच्चों को ऐसे देखा है कि वो पहले ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए टू द पावर सिक्स को ऐसे लिखते हैं, ए टू द पावर सिक्स, बी टू द पावर सिक्स, सी टू द पावर सिक्स, और अंदर में भी थोड़ा ट्रिक लगाते हैं, यानी ये बन जाएगा ए टू द पावर सिक्स, बी टू द पावर सिक्स, सी टू द पावर सिक्स, वन बाय ए, वन बाय बी, वन बाय सी टू द पावर सिक्स, ठीक है? अब आपको क्या चाहिए था? ए क्यू चाहिए था, यानी इस अंदर वाले से वन बाय ए क्यू निकालेंगे, बी पे पावर फोर चाहिए था, बी पे पावर सिक्स ऑलरेडी है तो अंदर वाले से वन बाय बी स्क्वायर निकालेंगे, सी पे पावर सिक्स चाहिए था ऑलरेडी, सी पे पावर फाइव चाहिए था, सी पे पावर सिक्स है तो अंदर वाले से वन बाय सी निकालेंगे, काम बन गया। पहली बार ये इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट में पूछा गया था, इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इनफैक्ट हमारे मेरे लेक्चर के थ्रू आप इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट आरएमओ की भी तैयारी कर सकते हैं, वहां ये पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो जब पहली बार जब मुझे ये क्वेश्चन मिला था तो मैंने ऐसे नहीं बनाया था, मुझे नहीं आता था, मैंने क्या किया था कि इसको बाइनोमियल की तरह ट्रीट किया था, यहां से ए बी छोड़ा और इसमें से सी कॉमन ले लिया, ठीक है? ए बी इसको मैंने ऐसे बनाया था, देखिए मेरा मेथड जो पहली बार जब मैं स्टूडेंट था, तो ए बी प्लस सी इंटू बी प्लस ए टू द पावर सिक्स। अब जब आप इसको एक्सपैंड करेंगे इन दोनों को टर्म आएंगे, टोटल सात टर्म होंगे, सी पे पावर फाइव चाहिए तो उन सातों में सिर्फ एक ही टर्म हमारे मतलब का होगा, वो कौन सा टर्म होगा हमारे मतलब का? ऐसा नहीं कि आप देखिए जेई सिलेबस में मल्टीनोमियल नहीं है, ट्राइनोमियल ये सब नहीं है, तो क्वेश्चंस को आप बाइनोमियल में कन्वर्ट करके आप बना सकते हैं। तो मेरे जो पॉइंट ऑफ कंसर्न, जो मेरा जो इंटरेस्ट वाला टर्म होगा वो होगा सी पे पावर फाइव वाला, यानी सिक्स सी फाइव ए बी इंटू सी पे पावर फाइव इंटू बी प्लस ए टू द पावर फाइव, यही तो मेरा पॉइंट ऑफ कंसर्न है, ठीक है? अब देखिए हमें चाहिए ए क्यू बी पे पावर फोर, ए बी है ऑलरेडी, यानी यहां से ए स्क्वायर और यहां से बी क्यू निकालेंगे ना, तो यहां से ए स्क्वायर बी क्यू का कॉफिशियंट क्या आएगा? फाइव सी टू या फाइव सी थ्री, तो फाइनल आंसर सिक्स सी फाइव इंटू फाइव सी टू लिख सकते, मैंने ऐसे बनाया था पहली बार। तो एक ही क्वेश्चन के लिए प्योर मल्टीनोमियल टेक्निक लगाया हमने, बाइनोमियल का सहारा लेके बनाया और एक ट्रिक से ही बना लिया हम लोगों ने, तो कई तरीके से आप सवाल को बना सकते हैं। अब आज के इस लेक्चर को मैं एंड करने जा रहा हूं विद द लास्ट जनरलाइज फॉर्मूला जो हम लोग करने जा रहे हैं। मान लीजिए आपका ये जनरलाइज करने जा रहा हूं, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री डॉट 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 एक्स के टू द पावर एन, इसका एक्सपेंशन क्या होगा? टोटल एन फैक्टर्स है, हर एक फैक्टर्स में के टर्म्स है, हर एक फैक्टर्स के तरह के वेरिएबल्स को देने की आजादी रखता है, लेकिन आपको प्रोडक्ट करते वक्त हर एक फैक्टर से कोई एक ही वेरिएबल लेना। मान लीजिए एक्स वन पे पावर आपने अल्फा वन लिया, एक्स टू पे पावर अल्फा टू लिया, डॉट 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 एक्स के पे पावर अल्फा के लिया, तो कॉफिशियंट क्या आएगा? फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल अल्फा वन अल्फा टू डॉट डॉट अल्फा के सिग्मा। यहां आप क्या लिखेंगे? हेयर समेशन इज टेकन ओवर ऑल द डिफरेंट वेज देयर आर टू टेक Either to take alpha i's, take a non-negative alpha i's, it is a non-negative alpha i's, such that
अल्फा वन प्लस अल्फा टू डॉट 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 अल्फा के बराबर है। भैया जो पावर्स होगा उनका सम तो यही आएगा ना, दिस इज द एंड। अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब कर पहले जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए, मैक्सिमम शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फेमस कीजिए, ताकि मैं जरूरतमंद बच्चों तक पहुंच सकूं। जिनको वैसे बच्चे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट की फी वियर कर सकते हैं वो आसानी से इन चीजों को अचीव कर सके, पर कई ऐसे बच्चे मेरे पास मैसेजेस आते हैं जो कोचिंग क्लासेस नहीं जा सकते, जिनका कई बार फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से कई बार ऐसी मजबूरी होती है, उनके लिए काफी अच्छा है क्योंकि अब नेट बहुत इजीली अवेलेबल है। थैंक यू, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, प्लीज पढ़िए जरूर, कोई भी डाउट हो पूछिए। थैंक यू।